अस्सलाम वालेकुम। वालदा की रसोई में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम बनाएंगे बड़े के गोश्त से अखनी पुलाव। इसलिए हमने ये चावल लिए, देखो ये बासमती चावल है, ये कच्चे चावल है, ये इससे बनाएंगे आज हम। ये 3 गिलास चावल लिए हैं हमने नाप के, और देखो ये हमने गोश्त लिया है, दिखाते हैं। ये आधा किलो गोश्त है, ये हड्डी के साथ लिया है हमने। चावल हमारे 1 आधा किलो थोड़े से ज़्यादा है, इसलिए हमने आधा ही किलो गोश्त लिया है। आप चाहो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जितना मर्जी है, हम इतना ही डालेंगे, आधा किलो हड्डी के साथ लिया। और ये मसाले हैं, ये सौंफ धनिया है साबुत, ये हमने मिक्स वाला ले लिया है 2 चम्मच भर के। एक ये प्याज लिया है हमने, और एक ये लहसुन है, 3-4 तेज़ पत्ते हैं, 3-4 हरी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, थोड़ा आधा चम्मच जीरा, लौंग, काली मिर्च, ये सब हम अखनी में डालेंगे। अब हम ये सामान जो है अपना कुकर लेते हैं, इसमें डालेंगे। तो हम पहले इसमें एक चन्ने में रख दिया था हमने गोश्त धो के, इसको हम डाल देते हैं इसमें। इस तरह से ही डालते हैं हम सौंफ धनिया पोटली बना के भी डाल सकते हैं, हम ऐसे ही डाल देते हैं इस तरह से। पानी को हम छान लेंगे। अब ये सारा हम इसमें डाल देते हैं मसाला। अदरक लहसुन हमने ये साबुत डाला है, प्याज और ये अदरक, प्याज और लहसुन आप चाहो तो इसमें डाल सकते हैं, अदरक लहसुन की पेस्ट भी, अदरक भी डालेंगे थोड़ा टुकड़ा। अब हम इसमें पानी डालते हैं, 1 गिलास डाल दिया, ये हम 2 गिलास पानी डाल रहे हैं। हम कुकर में बना रहे हैं इसलिए हमने 2 ही गिलास डाला है, अगर पतीले में बनाते तो थोड़ा ज़्यादा डालते, बस इतना डालेंगे। अभी और सामान डालते हैं, ये अदरक भी डाल देते हैं, ये 1 इंच का टुकड़ा है छोटा सा, ये भी डाल देते हैं। हम नमक डालेंगे, 1 चम्मच नमक डाल देते हैं बस। अब हम कुकर को बंद करके सीटी लगाएंगे हम 1, उसके बाद 2 मिनट के लिए मीडियम गैस पे रख देंगे, 2-3 मिनट के लिए बस हो जाएगा। हमारा गोश्त जो है ज़्यादा बड़े का नहीं है, मीडियम है। अगर आपका गोश्त ज़्यादा बड़े का है तो उसे 4-5 सीटी लगानी पड़ेंगी, या मीडियम गैस पे रख दो हल्की गैस पे, तो उसे 10-5 मिनट के लिए तो गल जाता है। अभी हमने कुकर रख दिया, गैस ऑन कर दी, अब इसे ढक्कन लगाते हैं। अब हमने कुकर बंद कर दिया, इसे 1 सीटी लेंगे फुल गैस पे, उसके बाद हम हल्की कर देंगे 3-4 मिनट के लिए, उसके बाद बंद कर देंगे। जब से इसकी गैस निकल जाएगी तब दिखाएंगे। अब हम इधर हमने चावल लिए, इसमें हम पानी डालते हैं, चावल को हम भिगोएंगे। अब जब तक हम और तैयारी करेंगे हमारी अखनी बनेगी, जब तक हमारे चावल भीग जाएंगे, फूल जाएंगे, मतलब हम 15-20 मिनट ही भिगोते हैं, ज़्यादा देर नहीं, ज़्यादा तो 20 मिनट बस। कच्चा चावल है बहुत जल्दी से हो जाता है, अगर गोल्डन राइस से पक्का चावल है तो उसको हमें भिगोना पड़ता है। अब इसे हम 2-3 बार वॉश करेंगे, धोएंगे, उसके बाद हम इसे भिगो देंगे। अब ये चावल को हमने धो लिया 3-4 बार। चावल को याद रहे पहले ही धोना चाहिए, अच्छे से मसल के धोना चाहिए ताकि एक गंदगी हट जाए। अब हम इसमें पानी डालेंगे, अब इसे हम पानी डाल के और ऐसे ही रख देंगे 15-20 मिनट के लिए, भीग जाएंगे। जब हम डालना होगा बस ऐसे ही डालेंगे निकाल के पानी। अब इसे भीगने के बाद हाथ से मलना नहीं है, नहीं तो टूट जाएंगे, बहुत जल्दी टूट जाएंगे। अब हमने पुलाव को बघारेंगे, कुकर रख दिया हमने, ये गैस ऑन कर दी। अब हम इसमें तेल डालेंगे, हम रिफाइंड डालेंगे, आप चाहो तो घी में भी बना सकते हैं, घी में तो बहुत बढ़िया बनता है ये पुलाव। 15-20 मिनट हो गए, अब हमने ये अखनी भी बना ली और ये चावल भी हमारे भीग गए। अब हम इसमें तेल डाल, ये हमने 4 चम्मच तेल डाला है बड़े वाले, ये रिफाइंड है, अब इसे गर्म होने देते हैं। अखनी को हमने इस तरह से निकाल लिया पानी में से, और हमने देखो सौंफ धनिया और ये सारा हमने निकाल के अलग कर दिया, छन्नी से छान लिया पानी, इस तरह से ये निकला है, इसको अलग रखते हैं। अब पहले हम इसमें अपनी प्याज फ्राई करेंगे। अभी तेल गर्म हो गया, इसमें हमने ये 2 घंटी प्याज की काटी है लंबी लंबी, इसको हम गोल्डन फ्राई करते हैं। अब ये प्याज गोल्डन हो गई, हमने इसे निकाल लिया। अब इसमें हम डालते हैं ये तड़के का सामान, ये हमने 1 चम्मच जीरा लिया है, 4-5 लौंग है, दालचीनी का टुकड़ा है, 4 हरी इलायची और ये काली मिर्च, ये हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ी सी ये प्याज डालेंगे,
साथ ही में ये तेज पत्ते भी डाल देंगे तीन चार। आज हम ये कुकर में बना रहे हैं, भगोने में पतीले में भी बना सकते हैं, हमने ये कुकर में बनाए। अब ये प्याज जो है गोल्डन हो गई, अब इसमें हम ये अपनी अखन डाल देंगे। अब दो तीन मिनट इसे अखनी को हम भूनेंगे और इसमें ये अदरक लहसुन डालेंगे दो चम्मच। इसी में हमने ये हरी मिर्च काटी चार पांच बड़े बड़े टुकड़ों में, ये भी डाल देते हैं इस तरह से। दो चम्मच हम ये बिरयानी मसाला डालेंगे, ये हम अपने घर पे ही बनाते हैं, ये हमारा होममेड मसाला है। इसकी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत अच्छे पुलाव बिरयानी जो भी बनाओ आप उसमें डालो, बना के बहुत अच्छी बनती है। आप मसाला एक बार बना के देखना, दम बिरयानी मसाला भी है और यखनी पुलाव का भी मसाला है, दोनों है। अब इसमें हम ये दही डालेंगे, दही को फेंट के डालेंगे। चार चम्मच दही है हमारा, 50 ग्राम होगा, दे सकते इसको डाल देंगे। अब इस दही को डाल के और इसे हम अच्छे से भूनेंगे, गैस को फुल रखेंगे, इस तरह से हम इसे भूनेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अभी से, इसमें इस तरह से इसे भून लेंगे। अब ये अखनी को भूनेंगे हम, ये तेल अलग हो जाएगा इसका, ये मसाला भून जाएगा, फिर हम इसमें पानी डालेंगे। इस तरह से बनाओ बहुत आसानी से, बहुत जल्दी ये पुलाव बन जाता है। हम नमक भी अभी डाल देंगे, पहले हमने अखनी में डाला था, अब चावल का भी नमक हम इसी में डाल देते हैं। ये दो चम्मच नमक डाला है, एक चम्मच हमने उसमें डाला था अखनी में, दो चम्मच अब डाल दिए, ये पूरा हमारा नमक सही जाए। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना जितना खाते हैं। इस तरह से भून लेंगे हम इसे, देखो ये भून गया, अच्छे से भूनना है इसको, अदरक लहसुन की महक निकल जाए और ये मसाला हमारा भून जाए। अब इसमें हम पानी डालेंगे, हम पानी पहले वही डालेंगे जो हमने अखनी का पानी छान के रखा था, ये जो है हमने डाला छान के रखा था। अब पहले हम एक गिलास डाल देखते हैं कितना है। ये हमारा अखनी का पानी दो गिलास था और बाकी का हम और डालते हैं। अब हमारे तीन गिलास चावल थे तो हम इसमें चार गिलास पानी डालेंगे, कुकर में बना रहे ना इसलिए एक गिलास हम फालतू डालते हैं, जितना चावल है उससे एक गिलास बढ़ा के डालते हैं। तीन पड़ गए, दो अखनी का था एक और डाल दिया, अभी एक और डालते हैं। ये चार गिलास पानी हो गया हमारा, बस इतना ही डालेंगे, इसी में हमारे चावल सही हो जाएंगे बिल्कुल। अब ये पानी उबाल आ जाएगा तब हम अपने इसमें चावल डालेंगे, तब तक हम इसे ढक देते हैं। अब ये पानी उबाल आ गया, हम इसमें अपने चावल ही डाल देते हैं। इसका हमने पानी निकाल लिया जो हमने भिगोए थे, तो हमने इसका पानी सारा निचोड़ दिया, अभी सारे डाल। आप भी इस तरीके से बनाना है ये पुलाव, अखनी पुलाव बहुत बढ़िया बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है, आसानी से कुकर में बनाओ। अभी हम एक सीटी लगा के दो मिनट के लिए, दो तीन मिनट के लिए इसे लोग गैस पर रख देंगे दम में और बस बन जाएगा, कोई भी बना सकता है इसे आसानी से। अब इसे चला देते हैं और इसमें हम ये थोड़ा दो बूंद दो तीन बूंद ये डालेंगे, अजंता का है केवड़ा, ये भी हम डाल देते हैं इसमें, अभी इसमें खुशबू आएगी। थोड़ा हम देसी घी भी डालेंगे इसमें और बस कुकर को बंद कर देंगे। दो चम्मच हम ये देसी घी डालते हैं, इससे बहुत बढ़िया बहुत सॉफ्ट चावल बनेंगे, बहुत अच्छे खुशबूदार। ये हमने दो तीन चम्मच डाल दिए देसी घी, घी हमारे घर का है, हम अपने घर पे निकालते हैं घी, बहुत अच्छा है घी भी। अब इस तरह से हम इसे मिलाएंगे और नमक को चखेंगे, अगर नमक कम लगेगा तब डालेंगे। नमक हमारा बिल्कुल ठीक है, अब हम इस कुकर को बंद कर देते हैं, इस तरह से हम इसे बंद कर देंगे। अब इसमें हम एक सीटी लगाएंगे, उसके बाद दो तीन मिनट के लिए इसे लोग गैस पर रख देंगे दम मारने के लिए, उसके बाद बंद कर देंगे, जब इसकी सीटी निकल जाएगी तब देखेंगे। अब देखो बन गया हमारा पुलाव, देखो अखनी पुलाव कितना अच्छा बना है, बहुत अच्छा बहुत खुशबूदार बना है। हमने इसमें कलर डाल दिया येलो, अगर आप चाहो आपका दिल करे तो डालो वरना मत डालो, हमने डाल दिया है। आप भी देखो कितना अच्छा बना है।
देखो कितना अच्छा बना है, बहुत अच्छा, बहुत खुशबूदार बना है। आप भी हमारे तरीके से बनाएं, खाएं और हमारी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कमेंट में हमारा पुलाव कैसा हमारे तरीके से बनाएं। दूसरी रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।